हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर अपने फ़ोन में फ़ाइल मैनेजर से कोई भी फ़ाइल वगैरह आप लोग यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं और वो जो फ़ाइल है वो आपके फ़ोन पर बार बार वापस आ रहा है, तब आपको इसको जो है कैसे ठीक करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है। तो गाइज़, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली तभी आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है अगर दोस्तों आपका जो SD कार्ड है वो जो है कभी कभी जो है ख़राब हो जाता है, उसमें जो है कुछ कुछ इशू वगैरह आने लग जाती है। तो उस SD कार्ड पर जो भी फाइल आपने बनाया रहता है तो उसको जो है आप लोग यहाँ पे डिलीट करते हैं तो वो वापस से जो है वो आ जाता है। तो ये अगर आपका SD कार्ड ख़राब हो चुका है तो आप लोग उसको चेक करिए, हो सकता है कि आपके SD कार्ड में ही इशू हो। ओके, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आप लोग ना यहाँ पे अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कभी कभी सॉल्व हो जाती है। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन में आना है और फिर यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च बार दिखेगा, आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके से फ़ाइल मैनेजर लिख लेना है और उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज पे जाना है और सबसे पहले आपको इसको जो है क्लियर कैचे कर देना है। क्लियर कैचे करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।